हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने ब्लाउज़ में शोल्डर की एक छोटी सी कटिंग करना सीखेंगे जिससे हमारे ब्लाउज़ के कंधे ना गिरें। हम अपने ब्लाउज़ की लंबाई और चौड़ाई जितना हम अपने ब्लाउज़ की लेते हैं उतना ले लेते हैं। इस ब्लाउज़ में तीरा 6 इंच और मुद्दे मैंने 6.5 इंच लिए जिन्हें हम आर्म होल भी कहते हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच और लंबाई 9 इंच लिए जिसे आप अपने हिसाब से कितना भी ले सकते हैं, जो हमारे बीच का शोल्डर का हिस्सा है। मुड्डे की कटिंग और गले की कटिंग के बीच में जो हिस्सा बचता है शोल्डर का, उस हिस्से की नॉर्मल कटिंग गले से मुड्डे की तरफ होती है। ये कटिंग नॉर्मली इस तरह से होती है, तिरछी कटिंग होती है नॉर्मली, लेकिन इस ब्लाउज़ में हम ये कटिंग उल्टा करते हैं, मुड्डे से गले की तरफ ये कटिंग करते हैं। गले पे हम 1.25 इंच पे निशान लगाते हैं और मुड्डे से गले की तरफ ये तिरछी कटिंग करते हैं जो नॉर्मल ब्लाउज़ से उल्टी होती है। ये उल्टी कटिंग करने से ही हमारे ब्लाउज़ के कंधे नहीं गिरते हैं। मैंने सभी जगह निशान लगा लिया है, अब मैं इसे की कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इसकी मुड्डे की और गले की कटिंग कर ली है। जो हमारे शोल्डर का हिस्सा है इसकी हम तिरछी कटिंग करते हैं जो नॉर्मल ब्लाउज से उल्टी करते हैं। गले पे मैं 1.25 इंच पे निशान लगाती हूँ और गले से मुड्डे की तरफ ये तिरछी कटिंग करती हूँ। नॉर्मल ब्लाउज़ में हम ये कटिंग मुड्डे से गले की तरफ करते हैं और इस ब्लाउज़ में हम ये कटिंग गले से मुड्डे की तरफ करते हैं। इस ब्लाउज़ में ये जो हम कटिंग करते हैं ऊपर की तिरछी, ये हम नॉर्मल ब्लाउज़ से उल्टी करते हैं जिससे हमारे कंधे नहीं गिरते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।